आधार कार्ड तो यूज किया चलानी थी वो एक तो संभल में है, दूसरा हमें हाजन में भी करना है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। तो आज इस वक्त जो हमने संभल में बहुत जगह जैसे वर्कशॉप्स में हम गए या बेकरी शॉप्स में गए या होटल्स में गए, तो कहीं कहीं हमने एक दो बच्चे पाए जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्वड थे, तो उनको हमने रेस्क्यू किया, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी हम काम करेंगे। तो हमने मैसेज पूरे ये जो संभल मार्केट है इसमें पूरे संभल मार्केट में हमने यही मैसेज दी कि कहीं भी छोटा बच्चा जो बिलो एज ऑफ 18 वो कहीं भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है ये पढ़ाई के लिए होती है, ना कि पैसे कमाने के लिए। तो ये मैसेज हमने पूरे संभल बाज़ार में दी कि कहीं भी हमें छोटा बच्चा काम करते नहीं मिलना चाहिए। हमने करीबन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में करीबन ये जो कैंपेन हमने चलाई, पहले भी चलाई थी, उसमें हमने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हमने रीएडमिशन करवाया स्कूल्स में, उन बच्चों को हमने वापस स्कूल में और उनको बच्चों को भी हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है जिसमें हम उनको फाइनेंस असिस्टेंट देते हैं 4,000 पर मंथ। जो ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनका चाहे सिंगल ऑर्फन हो या डबल ऑर्फन हो या जो उनका फादर अगर वो काम नहीं कर पा रहा है किसी ऐसी बीमारी में ब्लवस है, तो उन बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं और हमारे पास हॉस्टल्स भी है, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उन बच्चों को हम हॉस्टल्स में रखते हैं और उनको जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। जो हमारा जो ड्राइव है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, हम रूरल एरियाज़ में भी जाते हैं, मगर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ हम ये बच्चे ऐसे बिलो द 18 एज नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर हमने मार्केट्स में देखा है जहाँ हमने इन बच्चों को पाया काम करते हुए। तो हमने कंपेन चलाई है, इसमें हमारे साथ लाइन डिपार्टमेंट से लाइक लेबर डिपार्टमेंट इसमें था, बांडीपुरा पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, मिशन वर्साले बांडीपुरा था, और मैसेज यही थी हमारी सोसाइटी तक पहुँचाने की कि बच्चों को इन्वॉल्व ना करें काम में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें इन बच्चों के लिए दी है, जैसे लेबर की हैं, जैसे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, या बाकी हमारे पास होम्स अवेलेबल हैं अगर वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इनकैपेसिटेटेड पेरेंट्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास गर्ल्स होम अलग हैं, बॉयज़ होम अलग हैं, तो हम उनको वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं या स्कूल्स में उनका एडमिट करवा सकते हैं। तो इसमें सबका रोल बनता है, स्पेशली हमारी सिविल सोसाइटी का या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं।